चेयर पर बैठे लोगों को देखने के बाद आपको लगता होगा कि यहाँ कोई फंक्शन होगा, लेकिन ये एक जानलेवा खेल है। अब ये कैसे, यह जानने से पहले आप नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को। इस खेल में और एक खिलाड़ी की एंट्री होनी बाकी है और वह है दिमाग से हटेला काला सांड। इस खेल का रूल है जो आखिर तक चेयर पर बैठा रहेगा वह जीत जाएगा। सांड आते ही शुरू होता है, अपनी बीवी का गुस्सा इन पर ही निकालने लगता है। एक जगह यह आदमी चुपचाप बैठा था, उसे लगा सांड उसे अनदेखा करेगा, लेकिन सांड बोलता है लवड़े एक्टिंग करता है, रुक दिखाता मैं तेरे को, और उस आदमी को उछाल के फेंक देता है। फिर कुछ देर बाद सांड इन दो आदमी की तरफ देखता है और बोलता है सालो आग दिखाते हो, और सांड अपने टॉप गियर में आता है और सीधा दोनों पर अटैक करता है। अब बचे होते हैं तीन लोग जिसमें से दोनों पर सांड अटैक करता है। सांड पूरा मैदान खाली करके ही लौट जाता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मेरी वीडियो से आपके चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपनी हंसी स्माइली के रूप में कमेंट में छोड़ देना, इससे मुझे और मोटिवेशन मिलता है। अब आते हैं वीडियो की ओर। खाने का बंदोबस्त करने के लिए ड्रैंगो नाम का यह पंछी जिस तरह दिमाग लगाता है उसे देख आपके तोते उड़ जाएंगे, लेकिन यह जानने से पहले आप नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को। मिर्कैट्स नाम के यह प्राणी मिट्टी से कीटक निकाल के खा रहे थे। कोई शिकारी इन पर हमला ना करे इसलिए माचो नाम के मिर्कैट्स पर पहरा देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब इन मिर्कैट्स के हाथ से खाना छीनने के लिए ड्रैंगो दिमाग लगाता है। आसमान में ईगल दिखते ही वह खतरे की घंटी मुंह से बजाता है। माचो बोलता है किधर है शिकारी, किधर है? ड्रैंगो बोलता है लौड़ू जान प्यारे है तो भाग, वरना जिंदगी में कभी पहरा देने के लायक नहीं रहेगा। तभी सारे मिर्कैट्स खाना छोड़ के बिल में छुप जाते हैं और ड्रैंगो को फ्री में खाना मिलता है। थोड़ी देर बाद वह फिर से खतरे की घंटी बजाता है, लेकिन एक मिर्कैट्स बिच्छू खाने में काफी व्यस्त था। ड्रैंगो उसके पास जाता है और बोलता है अरे झाटू इतना क्यों व्यस्त है बिच्छू खाने में, जब सबके लौड़े लगे हैं दुश्मन के आने से। मिर्कैट्स उसे इग्नोर करता है। ड्रैंगो पेड़ पर जाता है और चिल्लाता है शेर आया भागो। सारे मिर्कैट्स बिल में छुपने जाते हैं, लेकिन सन्नी नाम का मिर्कैट्स ड्रैंगो का प्लान समझता है। वह चुपके से उस पर नजर रखता है। ड्रैंगो पेड़ से आराम से नीचे उतरता है और बिच्छू को लेके उड़ जाता है। सन्नी सबको इकट्ठा करता है और बोलता है सालो हमारा चूतिया कट गया, एक पंछी ने हमें चूतिया बनाया।